get into Delhi University in 2023, A to Z information, complete admission process of DU in 2023 for any course, be it UG or PG. Yes, that's the target of today's video. So Delhi University, DU, जिसको हम University of Delhi भी कहते हैं, it is a central university in New Delhi and it is ranked as one of the top universities in India. यहाँ पर काफी सारे कोर्सेज है, यूजी, अंडरग्रेजुएट कोर्सेज, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, पीएचडी एक्सेट्रा. अब डीयू तो एक यूनिवर्सिटी हो गई, इसके अंदर 91 कॉलेजेस हैं जो इसका पार्ट है एंड वो स्प्रेड है तीन डिफरेंट कैंपसेस में, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस. अब यहाँ पर तीन ब्रांचेस हैं जहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज कराए जाते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है रेगुलर, यहाँ पे यूजी, पीजी और पीएचडी के कोर्सेज कराए जाते हैं. यूजी पीजी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे एडमिशन प्रोसेस इसी वीडियो में एंड पीएचडी की एडमिशन प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट होती है. सर्टिफिकेट कोर्सेज किसी को करने होते हैं तो वो हम एडमिशन लेने के बाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी प्रोसेस भी डिफरेंट है. सेकंड है हमारे पास एसओबेल, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग. यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन, जहाँ पर आपको कोर्सेज कराए जाते हैं. ये बेसिकली ओपन लर्निंग ही है. इसके बारे में अगर डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको जाना होगा एक वेबसाइट पे, sol.du.ac.in, यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट है. एंड द थर्ड ब्रांच इज एनसीवेब, नॉन कॉलेजेड वुमेन एजुकेशन बोर्ड. यहाँ पे सिर्फ वुमेन्स अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा क्राइटेरिया है उसके लिए भी. डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप जा सकते हो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, विच इज ncweb.du.ac.in. डीयू के रेगुलर यूजी, पीजी कोर्सेज, ncweb, एसएबएल सब पे डिटेल वीडियो आएगी इसी चैनल पे, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब. अगर आपको डीयू के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन से कोर्सेज डीयू कराता है एंड कौन से कॉलेजेस डीयू के अंडर आते हैं, इन सारी चीजों के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, विच इज du.ac.in. एडमिशन प्रोसेस डेफिनेटली चेंज हुआ है पिछले कुछ सालों से, यूजी का भी और पीजी का भी. यूजी के लिए पहले एडमिशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लास 12th स्कोर्स एंड पीजी के लिए एक एंट्रेंस कराते थे, डीयू खुद ही कराता था डीबीटी करके. दोनों चीजें हट गई है, नया प्रोसेस स्टार्ट हो चुका. अब डीयू स्टूडेंट्स की पॉपुलर चॉइस है यहाँ के यूजी अकेडमिक कोर्सेज के लिए. डीयू के सारे कॉलेजेस टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में हमेशा आ रहे होते हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए, लेकिन यहाँ पे सीट्स ज्यादा तो नहीं है, 70,000 सीट्स है, कॉम्पिटिशन हाई रहता है. कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं और हर स्ट्रीम के अंदर इतने सारे कोर्सेज डीयू ऑफर करता है, मतलब कोई भी कोर्स बोले यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको मिल ही जाएगा. इंजीनियरिंग तक है डीयू के अंडर ही, इतने सारे कोर्सेज हैं, वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज की वो कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं एंड दैट्स व्हाई आई डोंट रियली हैव द एग्जैक्ट काउंट. लेकिन आप स्ट्रीम के बेसिस पे जज कर सकते हो कि आपको आपका कोर्स यहाँ पे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा. स्ट्रीम की ये लिस्ट है, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, एजुकेशन, आईटी, इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, मीडिया साइंसेज, सोशल साइंसेज, फार्मेसी, अप्लाइड साइंसेज, म्यूजिक, मैथमेटिकल साइंसेज, मेडिकल साइंसेज एंड कुछ और भी स्ट्रीम्स हैं. अब डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट एडमिशन प्रोसेस है. सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलर यूजी कोर्सेज के बारे में. यहाँ पर एडमिशन इज बेस्ड ऑन द स्कोर्स विच आर ऑब्टेन्ड इन द सीबीटी 2023 एग्जाम, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. एक एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, इसके स्कोर्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है एंड आपने बस 12th पास करी होनी चाहिए. यहाँ पर गैप ईयर का भी कोई चक्कर नहीं है, इवन इफ आपने पिछले साल 12th पास किए, स्टिल यू कैन अपीयर फॉर द एंट्रेंस एंड गेट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट कम्स आर रेगुलर पीजी कोर्सेज. अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसके लिए अगेन आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा विच इज ऑफ सीबीटी पीजी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, पीजी वाला वो एंट्रेंस देना है, उसके बेसिस पे यू कैन गेट इनटू डीयू. अब यूजी और पीजी के एडमिशन रिलेटेड अपडेट्स के लिए एक वेबसाइट अलग से बना दी गई है डीयू की तरफ से, विच इज admission.uod.ac.in, सो यू कैन फॉलो दैट. नेक्स्ट बात करते हैं एसओबेल के बारे में. स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, यूजी और पीजी कोर्सेज दोनों ऑफर करता है. इनकी वेबसाइट है sol.du.ac.in, इसको आप जाके देख सकते हो. एंड यहाँ पर एडमिशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लास 12 स्कोर्स, यानी कि मेरिट के बेसिस पर एडमिशन हो जाता है. नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट ncweb कोर्सेज. दीज आर फॉर वुमेन ओनली, जो कि पार्ट टाइम अपनी डिग्री करना चाहते हैं, साथ में कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है. लेकिन यू मस्ट बी अ रेजिडेंट इन द एनसीटी टेरिटरी ओनली, उसका आप देख लेना क्या क्या क्राइटेरिया है. यहाँ पर एडमिशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 12 कोर्स, तो मेरिट के बेसिस पर एडमिशन है, कोई एंट्रेंस नहीं देना है. एंड वेबसाइट इनकी आप जाके देख सकते हो, ncweb.du.ac.in, सिंपल. अब यहाँ पर भी आपको दोनों यूजी और पीजी कोर्सेज मिल जाएंगे. यूजी कोर्सेज में खाली बीए प्रोग्राम और बीकॉम अवेलेबल है, लेकिन पीजी में ज्यादा ऑप्शंस आपको मिलते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस द एडमिशन प्रोसेस ऑफ रेगुलर यूजी एंड रेगुलर पीजी कोर्सेज इन डिटेल. स्टार्ट करते हैं हम यूजी कोर्सेज के साथ. यूजी कोर्सेज में एडमिशन आपको मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर सीबीटी स्कोर्स. यहाँ पे क्लास 12th का मेरिट के बेसिस पे कुछ नहीं होने वाला, वो बस एलिजिबिलिटी के लिए है. सबसे पहली चीज, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे, दैट इज टू फिल द सीबीटी एंट्रेंस फॉर्म. जो हमारा एंट्रेंस फॉर्म
निकाला है सीयूईटी का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का, उसको जाके फिल करना है। 12th मार्च यहाँ पर लास्ट डेट है। अब इस फॉर्म को फिल करते टाइम ना बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, हमारी यूनिवर्सिटी हमें पता है कि DU हमारा टारगेट है, तो यूनिवर्सिटी के सेक्शन में DU तो सेलेक्ट करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ और यूनिवर्सिटीज भी सेलेक्ट कर लेंगे। बात आती है उसके आगे की कि कौन से टेस्ट देने होंगे, उसके लिए ना आप एक CBT की डिटेल वीडियो बना दिए उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। कौन से टेस्ट देने होंगे वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कोर्स करना है। सपोज मैंने अपना कोर्स सेलेक्ट कर लिया कि मेरे को मैथ्स ऑनर्स करना है, कोर्स सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाकर उस कोर्स की एलिजिबिलिटी देखनी है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन से टेस्ट हमें इसके अंदर देने हैं। अब CBT के फॉर्म सिर्फ 12th मार्च तक ओपन है, उसके बाद वो क्लोज हो जाए। अब DU के लिए और भी कुछ एडिशनल रूल्स हैं, जैसे कि आप उन्हीं टेस्ट को दे सकते हो जो या तो आप पास कर चुके हो क्लास 12th में, या फिर आप अपीयर कर रहे हो जिन पेपर्स में, जिन सब्जेक्ट्स में अभी अपनी क्लास 12th में। सो ज्यादा टेंशन हमें नहीं लेनी है रिगार्डिंग फिलिंग द फॉर्म, सिंपल एक चीज पे जाना है विच इज इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे जाना है, उसको खोलना है, उस PDF को खोलना है, वहां पर जाकर आपको सब मिल जाएगा। सबसे पहले ना कोर्स की लिस्ट बना लो कि मेरे को ना ये 5 कोर्सेज हैं, ये मैं कोर्सेज टारगेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, एंड ये 5 कोर्सेज में मुझे अप्लाई करना है। उसके बेसिस पे उनकी एलिजिबिलिटी देख लेंगे, कौन से टेस्ट देने हैं वो हम देख लेंगे बुलेटिन से, वो खजाना लिटरली फॉर्म को फिल करने से पहले ऑब्वियसली उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बाद में जाके हम बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते ही करते हैं। सो ये सिंपल सी चीज़ होगी, जितने मैक्सिमम पेपर्स दे सकते हो उतने पेपर्स देने की कोशिश करो, लेकिन ये भी चीज़ ध्यान में रखना कि प्रिपरेशन का टाइम भी सोच के रखना, टाइम लगेगा अगर ज़्यादा पेपर दोगे तो। सो यस, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप विच इज cbt.samar.ac.in। इस वेबसाइट पे जाके हमने अपना CBT का फॉर्म फिल कर दिया एंड फी भी पे कर दी। नाउ कम्स द सेकंड स्टेप विच इज एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड हमारा रिलीज हो जाएगा in the second week of May, which is expected date. Moving to the third step, which is go and give the exam. एग्जाम की डेट्स हमारी आई है May 21st से लेकर May 31st तक, इनके बीच में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तो जाओ एंड एग्जाम देकर आओ। फोर्थ स्टेप है हमारा रिजल्ट आना, गेट द स्कोर्स, एंड यहाँ पर हमारा CBT का रोल होता है खत्म एडमिशन प्रोसेस का। अब रोल आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो हेयर कम्स द फिफ्थ स्टेप विच इज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस अब हमें जानना होगा। सो DU अपना खुद का फॉर्म निकालता है एडमिशन कराने के लिए, पहले ही अपना एक पोर्टल लॉन्च करते हैं, DU CSAS पोर्टल, कॉमन पोर्टल होता है ये, उसको लॉन्च करेंगे। वहां पर जाकर आपको लॉग इन करना होता है, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, उसके बाद वहां पर फॉर्म फिल करना होता है। उस फॉर्म को फिल करते टाइम भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उनमें से एक चीज़ होती है हमारी प्रेफरेंस लिस्ट। अगर ये लिस्ट गलत हो जाती है ना तो पूरा कोई मतलब ही नहीं रहता फिर तो, क्योंकि लोग इतनी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं प्रेफरेंस लिस्ट फिल करते टाइम, एंड उस टाइम तो आपको डेफिनेटली प्रेफरेंस लिस्ट वाली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए कि किस कॉलेज को हम किस रैंक पे रखें, डिपेंडिंग की क्या मिलना चाहिए क्या मिलना, वो सब कुछ चीज़ें सोचने के लिए। बस हमने फॉर्म फिल कर दिया, फी पे कर दी, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, एंड वी आर डन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज, यानी कि सिक्स्थ स्टेप इज, दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग प्रोसेस ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएंगी। 3 कट ऑफ तो ये लोग पक्का निकालते हैं। कट ऑफ का क्या सीन होता है कि उसी पर्टिकुलर पोर्टल पे जहाँ पर आपने अपना फॉर्म फिल किया है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, वहीं पर आपको दिख जाएगा कि आपके CBT के स्कोर्स के बेसिस पे आपको ये चीज़ दिख जाएगी कि आप कौन से कॉलेज के लिए एलिजिबल, मतलब कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है, एंड यस, एंड उसके बाद डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको वो कॉलेज चाहिए या फिर नहीं चाहिए। उसके बाद आप अपग्रेड भी करा सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वो, लेकिन बाद का प्रोसेस होता है। एंड यहाँ पर हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाती है फॉर आर UG कोर्सेज। नाउ मूविंग ऑन टू द PG एडमिशंस। अगर DU से हमें PG डिग्री करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, इन दैट केस यू हैव टू अपीयर फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम CBT PG। इसकी नोटिफिकेशन अभी तक आई नहीं है एंड इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड डेट्स बताई गई हैं। फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ जून में आपकी एग्जाम्स होंगे एंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका रिजल्ट आएगा। सो अभी ये एक्सपेक्टेड है, बट आपको एग्जाम देना होगा अगर आपको DU से अपनी PG डिग्री करनी है। सिंपल। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन रेफर टू द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो अभी तक इशू नहीं किया है, लेकिन जैसे ही होगा आई विल मेक अ डिटेल वीडियो। सो यस गाइस, इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस फॉर 2023 इनटू वेरियस कोर्सेज, वेरियस ब्रांचेस, वेरियस कॉलेजेस। नाउ इफ यू आर लुकिंग टू गेट एडमिशंस इनटू वेरियस UG एंड PG कोर्सेज इन दिस ईयर 2023, देन दिस चैनल इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब, ऑल्सो इस वीडियो को तो एटलीस्ट लाइक कर दो। इसके अलावा गाइस, वी हैव स्टार्टेड अ न्यू इंस्टाग्राम पेज जहाँ पर यू विल गेट इन्फॉर्मेशन एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट ऑन मनी मेकिंग, इन्वेस्टिंग, कॉलेज, ट्रैवल, माई पर्सनल लाइफ इज वेल। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन गो एंड फॉलो दैट इज वेल। हियर इज द प्रोफाइल, मतलब इंस्टाग्राम हैंडल। सो जाओ एंड या दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।